मुमताज भाई को मैं बुला रहा हूँ यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए आप सभी का। हमारा ये जो सेशन आज का था जिसमें कि हमने भोपाल से भोपाल से मुतालिक फिल्मी हस्तियाँ जिन्होंने उर्दू के ज़रिए उरूज हासिल किया, जिनमें फौजिया अर्शी, शावर अली, इमरान खान और जनाब रशीद अंजुम साहब आज के इस रूबरू सेशन में हमारे साथ थे। हम आपके शुक्रिया के लिए मैं इस प्रोग्राम के मुआविन मुमताज खान साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिर्फ इस इजलास के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम का दूसरा इजलास था और तीसरे इजलास में मेन स्टेज के ऊपर हम इनॉग्रल प्रोग्राम होगा जिसमें उमेश तरकसवार और वीनस तरकसवार अपने ग्रुप के साथ उर्दू के चार गाने पेश करेंगे। उसके बाद इजिप्ट का सूफी डांस तनोरा है, वहाँ पर इजिप्ट से चार लोग आए हुए हैं, वो अपना डांस पेश करेंगे। और उसके बाद सुखन का प्रोग्राम है जिसमें सूफी नज्म और गज़ल एक साथ पेश की जाएगी और उसके बाद फिर तनोरा की प्रेजेंटेशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज शाम को 6:30 बजे मेन स्टेज पर आप सभी तशरीफ लाएंगे और अगले दिनों के सारे प्रोग्राम्स में इसी तरह हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 6:30 बजे मिलते हैं। हेलो, ये फौजिया मैडम के लिए ये गोल्ड प्लेट है और बीना कारी का काम है, अल्लाह लिखा हुआ है, रहमतों और बरकतों वाला नाम, रहमतों बरकतों वाला नाम, इज्जत और शोहरत को मंडलवर करने वाला नाम, अल्लाह का नाम, ता कायनात रहेगा अल्लाह का नाम, अल्लाह बीना कारी गोल्ड प्लेट। मेरा ताल्लुक भोपाल से है, क्योंकि ये जो जबान जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ ये इसी शहर की देन है और जिसकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है, ये इसी शहर की देन है। मैं यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं वो मुझे जानते हैं पहले से ही। मेरा करियर बनाने में मुझे कितना इनकरेज इन सभी बैठे लोगों ने किया है पहले, इसका मुझे आज मौका मिल रहा है कि मैं सबको शुक्रिया अदा कर सकूं और ये बता सकूं कि उन्होंने जो उम्मीदें मुझसे लगाई थी वो मैं पूरी कर रही हूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने पूरी कर ली हैं, अभी सफ़र बहुत बाकी है। जश्न उर्दू इतना खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है जो कि उर्दू एकेडमी ने शुरू किया। नुसरत साहिबा को मेरी मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया यहाँ की गवर्नमेंट को कि जिन्होंने उनको ये इजाज़त दे दी कि आप ऐसा करें। जश्न रेख्ता जो उर्दू सेलिब्रेशन का एक इनिशिएटिव लिया, क्या नाम है उनका, संजीव सराफ साहब ने, मैं उनको यहाँ पे ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगी। वो यहाँ आने दरख्वास्त करूँगी कि यहाँ पे ज़बरदस्ती कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर आइए ज़बरदस्ती और उनको इंट्रोड्यूस कीजिए इस ज़बान से जिससे वो महरूम हैं। वो क्या कोशिश होगी, वो क्या तरीक़ा होगा, वो आप जाने और यहाँ जो तमाम शाम भैया जैसे लोग बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं, मैं सबके नाम लूँगी तो अभी शायद इसी में शाम हो जाएगी। तो कुछ तरीक़ा ऐसा कीजिए कि यहाँ कितनी ज़रूरत है इस ज़बान की हिंदुस्तान को, क्योंकि उर्दू हमारे कल्चर को महफूज रखने में काम आती है। हम अंग्रेज़ी बोलते तो हम वैसे हो जाते हैं, हम उस तरह से बिहेव करने लगते हैं, लेकिन जब हम उर्दू बोलते हैं, बल्कि मैं कहूँगी जब हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदी और उर्दू का जो मिक्स है दैट इज़ दी बेस्ट लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री जो हिंदुस्तान के पास है। बस अगर हम उतना ही बोल रहे हैं वो एक छोटा सा डोज है, अगर हम स्मॉल डोजेज में ही अगर काम करें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को लेके तो कमाल हो जाएगा। मुझसे नुसरत साहिबा ने कहा था कि ये ज़रूर मुझे ये आज की महफिल में ये बताएं कि मुझे उर्दू से क्या फ़ायदा हुआ मेरे करियर में। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ये बता दूँ कि मैं
वैसे तो मैनेजमेंट की प्रोफेसर हूँ और मैंने अपना करियर भोपाल में अंग्रेज़ी पढ़ाने से किया था, लेकिन बम्बई जब मैं पहुँची और जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, वहाँ मैं सिर्फ फिल्में नहीं बनाती हूँ, मैं अपना बिज़नेस करती हूँ। जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया तो वो दिन है और आज का दिन है, मुझे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हुई और मैंने जानबूझ के कभी भी बोली ही नहीं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, इसके अलावा नहीं बोलती, क्योंकि जिस ज़बान में आप ख्वाब देखते हैं, मैं तो हिंदुस्तानी ज़बान में अपना ख्वाब देखती हूँ, उर्दू में ख्वाब देखती हूँ, तो जिस ज़बान में हम अपना ख्वाब देखते हैं बस उसी ज़बान को हमें बोलना चाहिए, तो हम ओरिजिनल रहते हैं, हम में वो एक कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता। तो जब भी मेरे सामने कोई मेरा क्लाइंट या कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर या कोई मेरे बिज़नेस से मुतालिक कोई भी इंसान मुझसे मिलने आता था, तो मैं उससे इसी ज़बान में बात करती थी और अभी भी करती हूँ। तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर हो गया कि कोई फौजिया अर्शी हैं जो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। तो मुझे यकीन जानिए, इस वजह से मुझे कभी भी किसी के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब मेरे ऑफिस में आते। ये एक इज्जत मिली मुझे, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इज्जत थी कि एक कोई है फौजिया जो कि भोपाल से हैं, जो पढ़ी लिखी हैं और जो बहुत अच्छी ज़बान बोलती हैं। मैंने मेरी पहली फिल्म तो वैसे एज अ प्रोड्यूसर फैट्सो थी, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, जिसको रजत कपूर ने डायरेक्ट किया था। फिर मैंने एक फिल्म लॉन्च करी भैया जी सुपरहिट, जो अभी अगले साल फरवरी में रिलीज़ होगी, जिसमें सनी देओल का डबल रोल है, अरशद वारसी है और प्रीति जिंटा है, ये लोग इसमें हैं। तो वो एक मेरा प्रोडक्शन था। और मेरी तीसरी फिल्म फिर जो दिमाग का दही कर दिया सब लोगों का, वो ये फिल्म थी। तो ये जितने भी एक्टर थे या जितने भी लोग जो थे डायरेक्टर्स थे, वो मुझसे पहली दफ़ा जुड़े ही इसी वजह से कि मैं एक अच्छी ज़बान बोल सकती हूँ। जैसे मैं पहली बार ओमपुरी साहब के पास गई, मैंने कहा ओमपुरी साहब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फिल्म है और ये मेरी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर होगी, आप मेरे साथ में काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि फौजिया पहले हम फिल्म की बाद में करेंगे, पहले कुछ और बात कीजिए। तो मैंने कहा आप हुक्म करें, क्या बात करें? तो उन्होंने कहा अच्छा अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या करती हैं आप, ये वो तमाम बातें इधर उधर की, कुछ पॉलिटिक्स पे बात होने लगी, कुछ म्यूज़िक पे बात होने लगी, हमारी फिल्म से कोई उसका जिक्र ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब तो ये कहेंगे कि भाई हमें तो फिल्म आप फिल्म की बात करते हैं, फिल्म क्या है, तो वैसा फिल्म ये है, कहले कि अच्छा फिल्म भी मत सुनाइए आप, तो मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। कहा कि ओम जी बात तो सुन लीजिए आप, मतलब फिल्म, अरे क्या ज़रूरत है, आपकी ज़बान ही इतनी अच्छी, आपकी फिल्म अच्छी बनाएंगे, मैं तो अरसे बाद एक ज़बान सुन रहा हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री से भी ये ज़बान जो है ख़त्म होती जा रही है, उसकी वजह ही यही है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसको इसकी अहमियत नहीं मालूम, और अहमियत कौन बताएगा? तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव है, ये बताएगा कि उर्दू का क्या मुकाम है। जैसे मुझे सुनने अगर यहाँ कुछ और कॉलेज के स्टूडेंट्स होते या और छोटे बच्चे होते, जो कि यहाँ पर कम है इस वक्त, अगर ये होते तो उनको ये मालूम होता कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे कामयाबी मिली है तो उसमें इस ज़बान का कितना बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इम्पॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी, मुझे लगता है कि हमें कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट करना चाहिए, उनके प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे गुजारिश करना चाहिए, हाथ पैर जोड़ लेने चाहिए कि भाई खुदा के लिए भेज दो अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स में जहाँ आके वो रियलाइज़ करें, और ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा जहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं वो बहुत सफ़ील और सख्त उर्दू ना बोलें, इट शुड बी सिंपल, ताकि उनका वो अटैचमेंट शुरू हो, फिर आप उनको बड़े बड़े डोजेस दे दें, दैट इज़ ओके, लेकिन शुरुआत करें हम बहुत छोटे से ईजी उर्दू से। आई मस्ट कंग्रेचुलेट कि ये शहर मैं यहाँ इस मकाम पे खड़ी हूँ, उर्दू उसकी एक वन ऑफ दी वजह है, एंड यहाँ सारे लोग जो हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो मुझे और बहुत सारी दुआएं दें, मुझे बहुत सख्तरीन ज़रूरत है कि मैं और आगे काम करूँ, बेहतर काम करूँ, और
और ज्यादा कामयाब होके आपके सामने दोबारा वापस लाती हूँ। शुक्रिया फौजी आशीष साहिबा। आपने कहा कि नौजवानों को, यूथ्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को जोड़िए, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर नुसरत मेहंदी इस बारे में